LG V60 Think। LG की तरफ से 2020 में आई उनकी फ्लैगशिप डिवाइस। 2020 में ये फोन काफी महंगा था, पर आजकल इसकी प्राइसेस काफी कम हो चुकी हैं। पर सिर्फ इसकी कम नहीं हुई, इसके कंपटीशन में और भी जितनी डिवाइसेस थी उनके भी रेट्स कम हुए, तो काफी क्रिटिकल रिव्यू होने वाला है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये फोन बहुत अच्छा जबकि कुछ लोगों के लिए बिल्कुल बेकार साबित हो सकता है। वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस रिसेशन के टाइम में आप लोगों के पैसे जाये हो जाएं। तो शुरुआत करते हैं जरा इस फोन के डिजाइन से। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, इस फोन का डिजाइन गैलेक्सी S10 से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। बैक कैमरा कटआउट सेम S10 वाला है, पर यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करता जाऊँ, LG की V सीरीज में कैमरा लेआउट बिल्कुल सेम होता है हॉरिजॉन्टल, जो कि LG V10 के जमाने से चलता आ रहा है, तो इसे हम कॉपी या इंस्पिरेशन नहीं बल्कि कोइंसिडेंस कह सकते हैं। बैक पे इसके ग्लास है जो कि फोन की साइड्स की तरफ कर्व कर रहा है। फोन की थिकनेस ज्यादा, पर इस कर्व ग्लास की वजह से आपको कम फील होगी, क्योंकि बॉटम साइड पे मेटल रेल काफी ज्यादा मोटी है जबकि साइड्स पे आपको काफी थिन फील होंगी। LG ने फोन एक टैंक की तरह बनाया क्योंकि ये काफी ज्यादा मोटा और बल्की है। फोन का वेट भी काफी ज्यादा, 218 ग्राम, ऑलमोस्ट iPhone 14 Pro Max वाला। तो अगर आप मेरी तरह कॉम्पैक्ट और लाइट वेट फोन यूज करने वाले हैं, तो इसकी तरफ बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि इसे मैनेज करना आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है और वन हैंड यूज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वहीं पे दूसरी तरफ बड़े फोन के यूजर्स के लिए काफी सॉलिड ऑप्शन है। इसकी बिल्ड क्वालिटी A+ है, पर इसका डिजाइन थोड़ा सा बेहतर और मैच्योर हो सकता था। अब जरा बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। इस पे फ्रंट पे आपको 6.8 इंच का काफी बड़ा डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा। डिस्प्ले काफी ब्राइट और वाइब्रेंट है, आपको आउटडोर यूज में कोई मसला फेस नहीं करना पड़ेगा। डिस्प्ले रेजोल्यूशन में LG यहाँ पे थोड़ी सी कंजूसी कर गया, 2K की जगह आपको Full HD+ रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी। पर सेल फोन में Full HD रेजोल्यूशन भी बहुत है, आपको इसका डिस्प्ले काफी शार्प फील होगा। इसमें टेक PoLED यूज की गई है, जिसमें थोड़ा सा भी एंगल चेंज होने पे आपको डिस्प्ले में थोड़ा सा कलर शिफ्ट फील होगा, पर इस प्राइस पॉइंट पे ये चीज इतना मैटर नहीं करती। जो चीज मैटर करती है वो इसका 60Hz रिफ्रेश रेट है, क्योंकि आजकल बजट फोन्स में भी 90Hz या 120Hz के पैनल आ रहे हैं, तो 60Hz बहुत सारे यूजर्स के लिए या तो डील ब्रेकर हो सकता है या फिर डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। LG ने ऊपर नीचे काफी बड़ी बड़ी बेजल्स दी, अगर ये ना होती तो डिस्प्ले लाजमी 7 इंच का होता। ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी और बड़े साइज का डिस्प्ले पसंद करने वालों के लिए एक सॉलिड ऑप्शन हो सकता है, पर 60Hz रिफ्रेश रेट वाला एक काफी बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के लिए LG ने इसमें एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया। फिंगरप्रिंट स्कैनर की पोजीशन काफी ऑफ है, इतना बड़ा फोन है और LG ने इतना नीचे करके फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया। आप लोग देख भी सकते हैं फिंगरप्रिंट एनरोल करते मुझे कितनी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, इतना बड़ा और बल्कि फोन है जबकि फिंगरप्रिंट स्कैनर इतना नीचे करके। स्कैनर तक पहुंचने के लिए फोन आपको काफी ऊपर करना पड़ता है और ऊपर के वेट से फोन इनबैलेंस होकर गिर भी सकता है, तो इस चीज का ध्यान आपको करना पड़ेगा। और फिंगर भी हमारी एनरोल होने वाली है, फिंगरप्रिंट एनरोल होने में काफी टाइम लग रहा है, बस इसका फिंगरप्रिंट स्लो ना हो, क्योंकि इस फोन से मेरी और आप लोगों की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, तो इसमें इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस होना कोई अच्छा सिग्नल नहीं है। तो मेरा फिंगरप्रिंट एनरोल हो चुका है और अब मैं जरा आपको इसकी अनलॉकिंग स्पीड चेक करवाता हूँ। फोन मैंने लॉक कर दिया और इसके फिंगरप्रिंट की अनलॉकिंग स्पीड आपके सामने है। स्क्रीन ऑफ होने पे भी फिंगरप्रिंट स्कैनर फोन को अनलॉक कर देता है, पर उसके लिए आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर की लोकेशन याद रखना पड़ेगी। बाकी फिंगरप्रिंट स्कैनर की अनलॉकिंग स्पीड काफी डिसेंट है, स्क्रीन ऑन हो या ऑफ हो आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर से अनलॉकिंग में कोई मसला फेस नहीं करना पड़ेगा। बस ऑप्टिकल होने की वजह से फिंगरप्रिंट रात में अनलॉकिंग के टाइम एक तेज लाइट शाइन करता है, जो कि काफी इरिटेटिंग हो सकती है। अब जरा बात कर लेते हैं इस टैंक की बैटरी लाइफ के बारे में। LG ने V60 में 5000 mAh का काफी बड़ा बैटरी सेल दिया है, साथ में डिस्प्ले 1080p और ऊपर से 60Hz है, जो कि काफी कम पावर कंज्यूम करता है। प्रोसेसर भी स्नैपड्रैगन 865 है, जो कि 7 नैनोमीटर बेस्ड है, और इस प्रोसेसर की पावर एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है। इस कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में आपको मिलती है एक बहुत ही सॉलिड बैटरी लाइफ। यूट्यूब पे और नॉर्मल यूज पे 7.5 से 8 घंटे से बल्कि 9 घंटे तक भी आपको इजिली स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। और अगर आप पावर यूजर हैं, डाटा यूज करते हैं, हाई ब्राइटनेस पे फोन यूज करते हैं और साथ में कैमरा वगैरह यूज करते हैं, तो तब भी जाके आपको 6 घंटे+ स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा। 6 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम मोस्टली फोन नॉर्मल यूज पे देते हैं और ये बहुत अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम काउंट होता है। इसके अलावा अगर आप गेमिंग करते हैं, वीडियो रेंडरिंग करते हैं या फिर हैवी यूज करते हैं, तब भी ये फोन आपको इजिली 4 घंटे+ स्क्रीन ऑन टाइम देगा। वीडियो में अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो थ्रू आउट इसकी बैटरी लाइफ आपको 94% मिलेगी। कंटीन्यूअस 20 मिनट के यूज पे भी इस फोन की बैटरी लाइफ 1% भी नहीं गिरी। और इस फोन में बहुत बड़े कॉम्प्रोमाइजेस हैं, पर बैटरी लाइफ इस फोन का एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट है, तो बैटरी लाइफ विदाउट एनी डाउट इस फोन की काफी ज्यादा सॉलिड है। अब बारी आती है इसके स्पीकर्स की, और इसमें भी बाकी फोन्स की तरह डबल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, एक बॉटम फायरिंग और एक ऊपर एयरपीस में। LG के फोन्स में हमेशा से काफी सॉलिड स्पीकर्स आते रहे और इस फोन के स्पीकर्स भी बहुत अच्छे हैं। स्पीकर्स लाउड बहुत ज्यादा हैं और बेस काफी अच्छी है, आपको वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स में काफी अच्छी सेपरेशन मिलेगी। बाकी मैं आपको एक डेमो दे देता हूं, जिससे आपको इनकी साउंड का मजीद बेटर आइडिया हो जाएगा।
अब बारी आती है इस फोन के कैमरास की। इसकी बैक पे आपको डबल कैमरा सेटअप मिलेगा, 164 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जिसके लेंस का अपर्चर f/1.8, लेंस काफी फास्ट है पर कैमरास का पिक्सल साइज 0.8 माइक्रोन है जो कि इतना इंप्रेसिव नहीं है। इसके साथ आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा f/1.9 अपर्चर के लेंस के साथ और इसमें पिक्सल साइज बड़ा है जो कि पूरे 1 माइक्रोन का है और साथ ही एक फिल इन द ब्लैंक्स और आवाम को खुश करने के लिए एक टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा जो कि 0.3 मेगापिक्सल का। कैमरा हार्डवेयर तो काफी डिसेंट है, अब जरा इसकी रियल टाइम परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। कैमरा में बाय डिफॉल्ट 3 ऑप्शन मिलते हैं, 0.5x का, एक 1x का और एक 2x का। 0.5x पे अल्ट्रा वाइड कैमरा, 1x पे मेन कैमरा और 2x पे मेन कैमरा से डिजिटली जूम्ड फोटो। मैंने तीनों से फोटो क्लिक किया और अब आपको बारी बारी इनके रिजल्ट्स दिखाता हूँ। पहली फोटो अल्ट्रा वाइड कैमरा की और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फोटो वाइड तो है पर फोटो काफी सॉफ्ट है क्योंकि अल्ट्रा वाइड कैमरा सिर्फ 13 मेगापिक्सल का और LG की पोस्ट प्रोसेसिंग भी कोई इतनी ज्यादा खास नहीं है। ये फोटो इसके मेन कैमरा की और ये अल्ट्रा वाइड की निस्बत काफी ज्यादा शार्प है। फोटो की डिटेल्स काफी अच्छी है और HDR भी काफी सॉलिड लग रहा है और उसके साथ साथ फोटो के डार्क एरियाज में नॉइज ना होने के बराबर है। मेन कैमरा इस फोन का काफी ज्यादा कैपेबल है पर LG ने हमेशा से पोस्ट प्रोसेसिंग पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसा कि इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं इतने बड़े सेंसर से सिर्फ 2x क्रॉप किया गया और आप लोग देखें डिटेल्स में कितना ज्यादा लॉस हो गया। यहीं पे गूगल की कोई डिवाइस होती और 2x डिजिटल जूम पे आपको जरा भी फील ना होता कि ये जूम्ड फोटो है। सिर्फ 2x जूम से ही फोटो कितने ज्यादा सॉफ्ट हो गई है। ब्रिक्स पे इतने ज्यादा डिटेल्स नहीं है, पीछे ट्रीज देखें कितने ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। मुझे लग रहा था 64 मेगापिक्सल का कैमरा तो काफी सॉलिड रिजल्ट्स आएंगे पर फोटो की सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग पे LG ने R&D पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया। यहीं पे 12 मेगापिक्सल का लिमिटेड हार्डवेयर के साथ पिक्सल 5 भी होता तो इससे कहीं ज्यादा शार्प फोटोज दे रहा होता। अब मैं कैमरा घुमा के सूरज के अपोजिट कर देता हूँ और इस फोन के HDR को टेस्ट करते हैं। अगर इस टेस्ट में इस फोन का कैमरा अच्छा परफॉर्म करता है तो मैं इसको किसी को भी रेकमेंड कर सकता हूँ। तो हम सूरज के बिल्कुल अपोजिट आ गए और अब देखते हैं इसके कैमरा में कितना दम है। कैमरा प्रीव्यू में तो फोटोज बिल्कुल ब्लैक हो गई है पर देखते हैं फोन इनको प्रोसेस करके कहीं बेटर करता है या नहीं करता। मैं अल्ट्रा वाइड और वाइड दोनों से फोटोज कैप्चर कर रहा हूँ और आपको इसके रिजल्ट दिखाता हूँ। पहली फोटो अल्ट्रा वाइड कैमरा की और फोटो मेरी उम्मीद से बेहतर आई है तो यार यहाँ पे कैमरा को क्रेडिट देना बनता है। मुझे लग रहा था बिल्कुल ब्लैक फोटो आएगी पर कैमरा का HDR बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। ओवरऑल फोटो इतनी ज्यादा शार्प नहीं है और कैमरा ने सैचुरेशन को भी बहुत ज्यादा बूस्ट कर दिया पर हम यहाँ पे HDR टेस्ट कर रहे हैं और HDR इसका सॉलिड है। ये फोटो इसके मेन कैमरा की और इसमें अल्ट्रा वाइड वाली सारी कमियां दूर हो गई है। फोटो काफी ज्यादा शार्प भी है और अल्ट्रा वाइड की तरह ओवर सैचुरेटेड भी नहीं है तो यार 1x पे इसका मेन कैमरा काफी यूजेबल फोटोज क्लिक करता है। अब जरा डिस्कस कर लेते हैं इस फोन की वीडियोग्राफी के बारे में। LG ने वीडियोग्राफी पे काफी ज्यादा काम किया, इवन आप LG V30 पे काफी सॉलिड वीडियो रिकॉर्ड कर सकते थे। इस फोन पे आप मैक्सिमम 4K 60 और 8K 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हैं। मैं 8K सिलेक्ट करता हूँ और 8K पे भी फोन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा क्रॉप इन करता है पर अभी टेस्टिंग के लिए मैं 1080p 60 FPS वीडियो शूट करूंगा ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले। वीडियो इस पे शूट हो रही है और वीडियो शूट होने के दौरान आप इसमें कैमरा भी स्विच कर सकते हैं और वीडियो में जूम भी काफी अच्छे, आप मैक्सिमम 10x तक जूम कर सकते हैं। इसकी वीडियो का मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ ताकि आपको मजीद बेटर आइडिया हो जाए। तो दोस्तों ये वीडियो LG V60 के मेन कैमरा से शूट हो रही है और वीडियो की जो रेजोल्यूशन है वो है 1080p 60 FPS। वीडियो में स्टेबलाइजेशन किसी हद तक ठीक है पर थोड़ा सा भी कैमरा शेक पे वीडियो जिटर कर रही है। उसके अलावा HDR भी सॉलिड है, HDR इतना बुरा नहीं है वीडियो में। आप लोग देखें जूम भी इसका अच्छा है, 10x जूम है, 10x जूम के बावजूद भी देखें फ़ोटो इतनी ज़्यादा नहीं फट रही, डिटेल्स हैं इसमें। तो ये इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा है, अल्ट्रा वाइड कैमरा में आप लोग देखें फुटेज काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। एक तो फुटेज काफ़ी सॉफ्ट हो गई है और उसके साथ साथ आपको स्टेबलाइजेशन अच्छी मिल गई है और इसका HDR भी सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छा है। तो एंड पे एक छोटा सा ऑडियो सैंपल दे देता हूँ ताकि आपको इसके माइक्रोफोन का भी आइडिया हो जाए। तो दोस्तों ये था LG V60 Think का कंप्लीट रिव्यू, बैटरी लाइफ, परफॉर्मेंस और कैमरा। थैंक यू। रेस्ट ऑफ द फोन नो थैंक यू।